स्वागत है आप सभी का आज के हमारे उज्जवला और आज की क्लास में हम लोग, हमारे के बच्चों के लिए कुछ है, तो इन क्वेश्चन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन के अंदर और हम देखेंगे कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं इन टॉप फाइव क्वेश्चन के आंसर्स हम लोगों को एग्जाम के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूस करने हैं किस तरीके से लिखने हैं। so, सबसे पहला क्वेश्चन है। वेरियस द फ्रेंच अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल तो सेंस ऑफ है ये ठीक है ये ऑफ है ये ओ नहीं है तो यहां पर जरा इसको ठीक कर देते हैं टू क्रिएट सेंस ऑफ

रॉयल स्टैंडर्ड उसी के साथ एस्टेट्स जनरल वॉज एन इलेक्टेड बॉडी और उस इलेक्टेड बॉडी के अंदर सारे एक्टिव सिटीजन थे जिसको रीनेम करके नेशनल असेंबली बना दिया गया था साथ ही में नई हिम्स को कंपोज किया गया ओट्स वर टेकन मार्टर्स वेटेड

कि मैम ये जो क्वेश्चन है कहाँ से आपने लिए हैं हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं सो आई यूजली रेफर दिस बुक दिस इज ओसवाल की बुक है बच्चों ओसवाल की बुक के अंदर आपको थर्टी सिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं सीबीएसई क्लास टेन सारे सब्जेक्ट्स की कंबाइंड बुक है तो एस के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मौजूद है लेकिन एस के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर हिंदी कोर्स ए बी मैथमेटिक्स और साइंस सब कुछ इस बुक के अंदर मौजूद है सो इफ यू हैव टू पता है आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम्स देने से पहले इट्स अ वेरी क्रूशियल स्टेप जब हमें असली में पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं कि हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करें और इस बुक के अंदर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं सो इट्स लाइक उन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहो और एग्जाम में फुल नंबर आ सकते हैं इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है और इसका आंसर कैसे देना है वो भी देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ जनरल एंड डेवलपमेंट एक्साम द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बैकबोन होती है एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है देश के विकास के लिए देश की डेवलपमेंट के लिए इसको हमें इंडिया के कॉन्टेक्ट में एक्सप्लेन करना है सो इस पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे कि यार मैनुफैक्चरिंग सेक्टर से एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होता है डिपेंडेंस जो लोगों की एग्रीकल्चर पे होती है उसको रिड्यूस करता है लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जाती है सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर में एजुकेशन और सॉरी एजुकेशन बोल रही हूँ इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी तो बच्चों इससे जो है देश के अंदर जो गरीबी है जो बेरोजगारी है उसको भी हटाया जाता है क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आएगा सेकेंडरी सेक्टर तो बच्चों लोग जो है उनको काम मिलेगा लोगों को काम मिलेगा तो उनकी इनकम्स बढ़ेंगी दैट इज बाय पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का इेडिकेशन हो रहा है वो चीजें हट रही है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रीजनल डिस्पैरिटीज जो है जब आप किसी भी जगह पर इंडस्ट्री खोलोगे तो कोई ट्राइबल एरिया है बैकवर्ड एरिया है तो बच्चों वो एरिया डिवेलप होगा आगे बढ़ेगा ठीक है प्लस एक्सपोर्ट जब आप करते हो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का तो उससे आपको एक तरीके से ट्रेड और आपका कॉमर्स बढ़ता है प्लस आपको फॉरेन एक्सचेंज भी इन रिटर्न मिलती है तो फॉरेन एक्सचेंज देश में आता है तो इन सब चीजों की वजह से देश का आर्थिक विकास होता है और देश आगे बढ़ता है दैट इज वाई इज द बैकबोन ऑफ डिवेलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ पोलिटिकल पार्टीज तो यहां पर पोलिटिकल पार्टीज का जो रोल है उसको हमें डिस्क्राइब करना है इंडिया के अंदर तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं यस रोल ऑफ पोलिटिकल पार्टीज अच्छा मैंने बच्चों इस बुक का जो लिंक है अमेजोन का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया है सो इफ़ यू वॉन्ट ठीक है प्लस द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है बच्चों पार्टीज जो हैं कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं चूज करती हैं दैट आर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन कैंडिडेट्स पार्टी के लीडर्स द्वारा चुने जाते हैं वोटर्स जो हैं बहुत सारे पॉलिसीज प्रोग्राम से चुनते हैं ओके पार्टीज एस्टैब्लिश एंड कंट्रोल गवर्नमेंट रन द गवर्नमेंट ऑल ऑफ दैट ऑपोजिशन होता है पोलिटिकल पार्टीज के अंदर जो पार्टी हार जाती है दे फॉर्म दिशन और फिर वो एक तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं रूलिंग पार्टी को प्लस बचो पार्टीज जो है एक इंसान को एक्सेस प्रोवाइड करती हैं टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड रिसोर्सेज सो ऑल दीज राइट विद इन दिस क्वेश्चन सब के सब पॉइंट्स आपको बुक के अंदर भी मिल जाएंगे लिखे हुए वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ डिस्कस कर रही हूँ क्स्ट इज डिस्क्राइब दी नेसेटी और यूटिलिटीज इन डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है वाई आर दी क्यों पोलिटिकल पार्टी जरूरी है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए so, आप सभी को पता है कि बहुत सोसाइटी बहुत लार्ज होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है तो इस सिचुएशन के अंदर पोलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो हर जगह पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाएंगे और वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सिर्फ अपनी कॉन्स्टिटुएंसी तक अकाउंटेबल होंगे बट हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी एट अ लार्जर लेवल हमें चाहिए कोई ऐसे लोग जो कि देश को चला सके पूरे देश को एकत्रित करके रख सके तो दैट इज बाय पोलिटिकल पार्टीज हमको चाहिए होती है और बच्चों रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तभी बन पाएगी ना जब पोलिटिकल पार्टीज होंगी दैट्स द रीजन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द इंडियन इकोनमी वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन

ओके okay गाइज so आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय